तो दोस्तों स्टार्टिंग में तो स्टेटस वीडियो देख लिया, अब चलिए उस तरह के स्टेटस वीडियो कैसे बनाते हैं देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग उस तरह के स्टेटस वीडियो बनाने के लिए लाइट मोशन ऐप को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपका दिखाई देगा, तो आपको नीचे यहाँ प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए आपको मेरा बीट मार्क प्रोजेक्ट और इफेक्ट प्रोजेक्ट, यहाँ पर आपको मेरा दो प्रोजेक्ट दिख रहा होगा। तो ये दो प्रोजेक्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप दोनों को अपने एलाइट मोशन ऐप में एक एक करके इंपोर्ट कर लीजिएगा। और अगर आपको इंपोर्ट करना नहीं आता है तो इंपोर्ट कैसे करते हैं वो वाला वीडियो का भी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जो है देख करके इंपोर्ट कर लीजिएगा। इंपोर्ट कर लेने का दिए बीट मार्क प्रोजेक्ट को क्लिक करके ओपन करिएगा। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का यहाँ पर इंटरफेस होगा, तो आपको करना क्या होगा देखिए, फर्स्ट मैं आपको दिखा दे रहा हूँ लास्ट तक देखिए, कुछ इस तरह का इंटरफेस है। तो आपको करना है फर्स्ट स्टार्टिंग में जाइएगा, आने के बाद यहाँ पे देखिए एक ब्लू कलर का लेयर दिख रहा होगा, ये वाला लेयर ये ऊपर वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। कलर एंड फील वाला एक ऑप्शन है यहाँ पे देखिए, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऊपर में ऑप्शन दिख रहा होगा, इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक करेगा आपका, यहाँ से आपका जो है फोल्डर खुल जाएगा। और फोल्डर यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपका फोल्डर, सारा फोल्डर यहाँ पर दिखेगा। अब आपका जिस फोल्डर में यहाँ पर इमेज है उस फोल्डर को आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद उस इमेज को सिलेक्ट करेगा जिस पर आपको जो है स्टेटस वीडियो बनाना है, उस इमेज को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद ऊपर देखिए छोटा सा यहाँ पे प्लस का आइकन दिख रहा है कोने में, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको फोटो ऐड हो जाएगा देखिए कुछ इस तरह से। और हाँ, अगर आपको ये फोटो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, फोटो को आप वहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फोटो ऐड हो जाने के बाद आप फोटो पर क्लिक करिएगा, मूवमेंट ट्रांसफॉर्म वाला ऑप्शन पर क्लिक करिएगा। और यहाँ पर आपका फोटो एडजस्ट नहीं हो रहा तो यहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, फोटो को कुछ इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, कुछ इस तरह से इधर उधर भी कर सकते हैं। यहाँ से आप कर लीजिए, कर लेने पर अब करना क्या है, यहाँ से फिर से बैक, यहाँ से जो है बैक हो जाना है। बैक होने पर इफेक्ट वाला प्रोजेक्ट को ओपन करना है। ओपन करने पर यहाँ पर तो बहुत सारा आपको लेयर दिखाई देगा, तो आपको यहाँ पर छेड़खानी करना नहीं है, बस स्टार्टिंग में आना है। और यहाँ देखिए छोटा सा प्लस का आइकन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ सिलेक्ट ऑल लेयर वाला एक ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर से उसी छोटे से प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, कॉपी 32 लेयर पर क्लिक करना है। देखिए कॉपी 32 लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको एरो पर क्लिक करके यहाँ से जो है बैक हो जाना है। बैक होने के बाद बीट मार्क वाला प्रोजेक्ट को फिर से ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद स्टार्टिंग में रहिएगा, छोटा सा प्लस के आइकन पर क्लिक करिएगा, पेस्ट 32 लेयर पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका जो है लो लेयर सब जो है पेस्ट हो जाएगा। पेस्ट हो जाने के बाद अब आपको करना क्या है, यहाँ पे कुछ आपको कम करना है, जैसे कि सबसे फर्स्ट आपको स्टार्टिंग में रहना है। और यहाँ देखिए आई वाले ऑप्शन पर जो है कुछ लेयर ऑफ है, तो यहाँ पे क्लिक करके ऑन कर देंगे। देखिए कुछ इस तरह से ऑन कर देंगे, तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से ऑन कर देंगे। ऑन कर देने के बाद अब हम लोग करेंगे क्या, ऑन कर देने के बाद थोड़ा सा इधर वीडियो के इधर आ जाएंगे। अब आने के बाद यहाँ पे आपको एक ब्लैक और ग्रीन कलर का एक लेयर दिख रहा होगा, देखिए इस पर क्लिक करना है, ये वाला लेयर देखिए इस पर क्लिक करना है। ब्लेंडिंग एंड ऑपोसिट पर क्लिक करना है, और यहाँ पे देखिए जीरो है तो इसको 100% कर दीजिएगा। 100% कर देने के बाद अभी आपको करना क्या है, अब इसको 100% कर देने के बाद ये अगर आपको इसको एडजस्ट करना है तो इसको भी आप जो है एडजस्ट कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। देखिए कुछ इस तरह से मूवमेंट ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पर जाकर यहाँ से इसको भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे एडजस्ट कर दीजिएगा। अब इतना करने के बाद अभी आपको करना क्या है, यहाँ पे तो आपका स्टेटस रेडी हो जाएगा। इतना करने के बाद यहाँ पे देखिए स्टेटस आपका रेडी हो जाएगा। अब ये स्टेटस रेडी हो गया तो इसको हम लोग गैलरी में भी सेव करेंगे। सेव करने के लिए ऊपर कोने में कैरो दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे। वीडियो लिखा हुआ साइड में कैरो, उस पर क्लिक करके एक्सपोर्ट में हम लोग का जितना फ़ोन का क्वालिटी सपोर्ट करता है उतना सिलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ अगर लो रहता है तो इसको पुल कर देंगे, और ये क्वालिटी लाइन को हाई करके एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देंगे, हम लोग का वीडियो गैलरी में सेव होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।